वेलकम बैक टू माय चैनल में माला एंड आज मैं ये वाला मेकअप लुक लेके आई हूँ जो कि येलो ग्लैम लुक है आप इसको पार्टी मेकअप भी बोल सकते हो आप किसी तरह के फंक्शन में पार्टी में इस तरह का मेकअप आप कैरी कर सकते हो क्रिएट कर सकते हो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा ग्लिटर भी मैंने ऐड किया है बहुत अच्छा लग रहा है तो आपको भी इसी तरह का मेकअप सीखना हो इसी तरह का मेकअप करना हो तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चले अब मेकअप स्टार्ट करते हैं तो आज सबसे पहले मैंने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लिया उससे पहले मैंने अपने फेस वॉश कर लिया था अब मैं अप्लाई करूंगी एक हाइड्रेटिंग मेस जो कि मैंने निविया का लिया है रोज केयर आप टोनर रोज वाटर कुछ भी ले सकते हो तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी फेस पे पूरे फेस पे लगा के एंड इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी उसके लिए मैंने न्यूट्रोजिना का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लिया है इसको मैं पूरे फेस पे लगा के मसाज करूंगी एंड इसके बाद मैं अपने फेस पे लगाऊंगी प्राइमर जो कि मे मेकअप से पहले बहुत ज़रूरी है लगाना मैंने मेवलिन का मेटिफाइंग ऑयली स्किन के लिए मेटिफाइंग प्राइमर लिया है तो इसको मैं अपने टीजोन एरिया पे एंड फुल फेस पे लगाऊंगी तो अब मैंने लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन लिया है जो कि एक बहुत अच्छा फ़ाउंडेशन है बहुत लिक्विड है एंड uh, लिक्विड में है ये बहुत रनी टाइप का है तो इसको मैं ब्रश के हेल्प से लगाऊंगी एंड इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसको ब्लेंड करूंगी ताकि और भी ज़्यादा फ्लॉलेस फ्लाले, बेस मिले तो उसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी एंड इसके बाद मैं कंसीलर लगाऊंगी जिसके लिए मैंने मेबलिन का कौंसिलर लिया है फिटमी का तो इसको मैं अपने कौंसिलिंग एरियाज़ पे लगाऊँगी एंड इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी मैंने कंसीलर को थोड़ा फोरेड पर लगा दिया एंड माउथ के एरियाज़ पे एंड थोड़ा नोज़ के ब्रिज पे ताकि थोड़ा हाइलाइटिंग इफ़ेक्ट मिले एंड इसको मैं इस इसी से इसी उसी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी आपके अगर आ, डार्क सर्कल ज़्यादा हो एंड आ, आप कलर करेक्टर लगा के एंड कंसीलर लगा सकते हो इससे बहुत अच्छे से कर, कवर हो जाएगा एंड इसके बाद मैंने रेवोल्यूशन का लूज पाउडर लिया है बनाना लूज पाउडर तो इससे मैं अपने कंसीलर को सेट करूँगी अंडर आइज़ पे एंड इसके बाद मैंने एन वाई एक्स का ब्राउ पोमेंट लिया है इसको इससे इसके हद से मैं अपने ब्राउज को फिल करूँगी पहले मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया एंड मिडिल का जो पार्ट था वहाँ पे मैंने रैंडमली फिल कर दिया एंड इसके बाद मैंने इस पुल के हेल्प से इसको कोम कर दिया तो बन गया मेरा ब्राउज एंड इसके बाद मैं आई मेकअप के लिए कॉलर बार्ट का आ, कॉलर बोर्ड का ये ब्यूटी ग्लेज का उ, कॉलर बोर्ड वाला आई सैडो पैलेट लूँगी एंड उसमें से ये ब्राउन कलर को पिक करके मैं अपने लीड पे लगाऊँगी बस लीड पे फोकस करूँगी क्रीज के ऊपर मैं नहीं जाऊँगी अभी क्योंकि मुझे इसको अच्छे से ब्लेंड करना है एंड इसको थोड़ा इसके एजेस को ब्लेंड करूँगी अच्छे से लगा के एंड इसके बाद मैं इसमें से ये येलो कलर का आ, कलर लूँगी एंड मैं अपने क्रीज पे ब्लेंड करूँगी इसके हेल्प से तो इसको ब्लेंड करते समय आपको ब्रश चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कलर मिक्स नहीं करना है एंड इसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि जो हमने कलर लगाया है वो दोनों कलर थोड़ा मिक्स हो जाए उसके एजेस में एंड अब मैं इस सिमर को लेके ब्राउन कलर का जो सिमर था मेरे पास उसको लेके मैं अपने जहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का आई लगाया था वहाँ पर मैं लगाऊँगी एंड इसके बाद मैंने ये वाला ग्लीटर ले मैं अपने लीड पर लगा रही हूँ जो मिडिल ऑफ द लीड है मेरे वहाँ पे मैं इसको ब्रश के हेल्प से लगाऊंगी एंड इसके बाद मैं आईलाइनर लगाऊंगी जिसके लिए मैंने मेवलिन का जल लाइनर लिया है एंड इसको मैं एक ब्रश के हेल्प से अच्छे से लगाऊंगी थोड़ा विंग निकाल दूंगी एंड इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा अच्छे से लगाऊंगी तो इसको मैंने अच्छे से लगा लिया एंड इसके बाद मैं इसकी इनर कॉर्नर्स जो है ना इसमें से थोड़ा विंग अंदर की तरफ भी निकाल दूंगी ताकि बहुत अच्छे से हो जाए एंड मैंने दोनों आइज़ पे लगा लिया एंड अंडर मतलब लोअर लेस लोअर वाटर लाइन में भी मैंने उसी आई को लगाया एंड इसके बाद मैंने आउटर साइड में थोड़ा लगा के इसको फिंगर के हल से स्मज कर दिया ताकि थोड़ा स्मज वाला लुक मिले एंड अब मैं जो पाउडर मैंने सेट करने के लिए छोड़ दिया था उसको मैं एक ब्रश के हल से निकाल दूंगी एंड उसी ब्रश को मैं पूरे फेस पे रन करूंगी एंड अब मैंने वेट एंड वाइल्ड का कॉन्ट्रो पैलेट लिया है एंड इसमें से कंट्रो सेट को पिक करके मैं जहाँ पे कंटरिंग करती हूँ फेस पे वहाँ पे मैंने अच्छे से इसको लगा लिया मेरे जॉ लाइन में फोर हेड में जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए तो मैंने वहाँ पे लगा लिया एंड अच्छे से इसको ब्लेंड करना है एंड अब मैंने कॉलर बार का ब्लश लिया है मैं इसको अपने चिक्स पे लगाऊंगी एंड थोड़ा नोज़ के एरियाज़ पे थोड़ा मतलब नोज़ में आ, थोड़ा डैप कर दूंगी उसको एंड इसके बाद मैंने हाइलाइटर भी वेट एंड वाइल्ड का लिया है ये मेगा ग्लो हाइलाइटर है एंड इसको मैंने फ़ैन ब्रश के हाथ से अच्छे से इसको लगा दिया जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है हाइलाइटर लगाना वहाँ पे मैंने लगाया एंड चीन के एरिया पे भी थोड़ा लगा दिया जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा हाइलाइटर लगाना चाहिए तो वहाँ पे मैंने लगा लिया एंड अब मैंने ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटर लगा लिया क्योंकि मुझे वहाँ पे लगाना बहुत अच्छा लगता है आई मेकअप थोड़ा अलग सा उठ के आता है बहुत अच्छा दिखता है एंड अब मैंने नो नोज़ पे अपने फिंगर के हेल्प से लगा लिया एंड अब मैंने आई लैसेस वेयर कर लिया है अब मैं आ, मस्कारा लगा रही हूँ जो कि है मेवलिन का मस्कारा तो इसको मैं आ, अपर लैसेस एंड लोअर लैसेस दोनों में लगाऊंगी तो इसको अच्छे से मैंने लगा लिया है तो लगभग मेरा मेकअप कंप्लीट होने वाला है तो अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक जो कि है मैबलिन का वन थर्टी सेड तो मेकअप हो गया है कंप्लीट तो ये है मेरा फाइनल लुक आप लोगों को ये लुक अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर